दोस्तों कल सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल का 49वां मैच खेला जा चुका है। ऐसे में दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस मैच की हाइलाइट्स और दोस्तों बताएंगे इस मैच के बाद की पॉइंट्स टेबल, कौन सी टीम बाहर हुई है और कौन सी टीम क्वालिफाई कर चुकी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जहां दोस्तों पहले बात करें इस मैच की हाईलाइट की, तो इस मैच में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन उनका फैसला ये उन पर काफी भारी पड़ा क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पूरे 20 ओवर में 8 विकेट खोकर मात्र 115 रन बना पाई। जहां हैदराबाद की तरफ से कप्तान विलियमसन रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं अब्दुल समद भी 25 रन बनाकर आउट हुए थे और इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज 10 रन से ज्यादा का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। वहीं इस मैच में जहां कोलकाता की तरफ से कोलकाता के गेंदबाजों ने काफी घातक गेंदबाजी करी, जहां शुभम मावी, टीम सऊदी और वरुण चक्रवर्ती को दो दो विकेट मिली थी, तो वहीं साकिबुल हसन ने भी एक विकेट झटका था। और वहीं जब इसके बाद कोलकाता की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो उनकी शुरुआत भी कुछ अच्छी नहीं रही थी क्योंकि उनके शुरुआती दो विकेट 38 रन के स्कोर पर गिर गए थे। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल और नीतीश राणा ने काफी अच्छी तरीके से कोलकाता की पारी को संभाला। जहां इस मैच में शुभमन गिल ने 57 रनों की बेहतरीन पारी खेली, तो वहीं नीतीश राणा ने भी 25 रन बनाए। और वहीं इसके बाद दिनेश कार्तिक ने आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर चौका मारकर इस मैच में कोलकाता को जीत दिलवाई थी और दिनेश कार्तिक 18 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और कोलकाता की टीम ये मैच 6 विकेट से जीती थी। और वहीं इस जीत के हीरो शुभमन गिल बने। शुभमन गिल को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं दोस्तों अब बात करें ये मैच हो जाने के बाद अब पॉइंट टेबल में कौन सी टीम ने क्वालिफाई किया है और कौन सी टीम बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सनराइजर हैदराबाद की टीम तो प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो चुकी थी। उन्होंने 12 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 10 मैच हारे हैं और 4 पॉइंट के साथ हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। वहीं 7वें नंबर पर मुंबई इंडियंस है। 12 मैच खेले हैं, 5 मैच जीते हैं, 7 मैच हारे हैं और 10 पॉइंट के साथ मुंबई की टीम पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर है। वहीं 6ठे नंबर पर राजस्थान की टीम है, जिन्होंने 12 मैच खेले हैं, 5 मैच जीते हैं, 7 मैच हारे हैं और 10 पॉइंट के साथ राजस्थान की टीम 6ठे नंबर पर है। वहीं 5वें नंबर पर पंजाब किंग्स की टीम है। पंजाब ने 13 मैच खेले हैं, 5 मैच जीते हैं, 8 मैच हारे हैं और 10 पॉइंट्स के साथ पंजाब किंग्स की टीम पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर है। वहीं 4ठे नंबर पर कोलकाता की टीम है, जिन्होंने 13 मैच खेले हैं, 6 मैच जीते हैं, 7 मैच हारे हैं और 12 पॉइंट्स के साथ कोलकाता की टीम पॉइंट टेबल में 4ठे नंबर पर है। और वहीं 3रे नंबर पर है बेंगलोर की टीम, जिन्होंने 12 मैच खेले हैं, 8 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं और 16 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर लिया है और इस आईपीएल की 3री टीम बेंगलोर बनी है, जिन्होंने आईपीएल के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं 2रे नंबर पर दिल्ली की टीम है, जिन्होंने 12 मैच खेले हैं, 9 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और 18 पॉइंट के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने क्वालिफाई पहले ही कर लिया है। और वहीं पहले नंबर पर चेन्नई की टीम है, जिन्होंने 12 मैच खेले हैं, 9 मैच जीते हैं और 3 मैच हारे हैं और 18 पॉइंट के साथ चेन्नई ने सबसे पहले इस आईपीएल में क्वालिफाई किया था। वहीं दोस्तों अब मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में से कोई एक टीम क्वालिफाई करेगी और अब इन 4 टीमों में से कोई एक टीम हमें क्वालिफाई होती दिखाई देगी क्योंकि 3 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलोर ने। ऐसे में दोस्तों आपके इस आईपीएल में कौन सी फेवरेट टीम है, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।